हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल की डिलीट कमांड के बारे में। इंसर्शन और अपडेट कमांड्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में, और आज की वीडियो में हम डिलीट कमांड पढ़ेंगे। क्योंकि जब टेबल में हमने डाटा इंसर्ट कर लिया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट करना हमने सीख लिया, तो लास्ट जो हमारा बचता है वो है कि जो हमारे पास टेबल में डाटा है, अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उस डाटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं। पहले हम एक बार बुक से देख लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट सिर्फ 2-3 लाइन्स ही हैं यहाँ पर, उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। डिलीटिंग डाटा विद डिलीट कमांड, कि डिलीट कमांड की हेल्प से हम डाटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं। व्हाइल वर्किंग विद टेबल्स वी मे रीच एट अ सिचुएशन वेयर वी नो लॉन्गर नीड सम रोज ऑफ डाटा। कई बार काम करते करते हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारी टेबल की कुछ रोज की रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। इन सच अ केस वी वुड लाइक टू रिमूव सच रोज, और उन केसेस में हम चाहते हैं कि जिन रोज की अब रिक्वायरमेंट नहीं है उन रोज को हम रिमूव कर दें। एंड दिस कैन बी डन बाय यूजिंग डिलीट कमांड, और ये काम जो है वो हम डिलीट कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। द डिलीट कमांड रिमूव्स रोज फ्रॉम अ टेबल, डिलीट कमांड की हेल्प से हम टेबल से रोज को रिमूव कर सकते हैं। दिस रिमूव्स द एंटायर रो नॉट इंडिविजुअल फील्ड वैल्यू, सो नो फील्ड आर्ग्यूमेंट इज नीडेड और एक्सेप्टेड। डिलीट कमांड की हेल्प से हम पूरी की पूरी रो को एक साथ डिलीट करते हैं, इंडिविजुअल रोज को हम डिलीट इंडिविजुअल फील्ड्स को या इंडिविजुअल कॉलम्स को आप कह सकते हैं कि हम डिलीट नहीं कर सकते। और क्योंकि हम इंडिविजुअल कॉलम्स को इंडिविजुअल फील्ड्स को डिलीट नहीं कर सकते, इसीलिए डिलीट कमांड में फील्ड या और कॉलम्स जो होते हैं वो एक्सेप्टेड नहीं होते और ना ही उनकी कोई नीड होती है। डिलीट कमांड का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो ये होता है, डिलीट फ्रॉम, उसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं टेबल नेम जिस टेबल से हमें डिलीट करना है, और उसके बाद जिन रोज को डिलीट करना है उन रोज को हम वेयर क्लॉज की हेल्प से मेंशन करते हैं। अगर हमें सारी की सारी रोज को डिलीट करना है, यानी कि हमें रोज का कोई सिलेक्शन नहीं करना, तो हमें वेयर क्लॉज की भी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या यूज़ करते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। सो टू रिमूव ऑल द कंटेंट ऑफ आइटम्स टेबल यू यूज़ द कमांड। अब मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है आइटम, आपको उसका सारा का सारा कंटेंट डिलीट करना है, तो हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, डिलीट फ्रॉम आइटम्स, क्योंकि हमें सारी रोज डिलीट करनी है, हमें कोई रोज का सिलेक्शन नहीं करना, और जब रोज का सिलेक्शन नहीं करना तो वेयर क्लॉज की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है, तो सिंपली हम डिलीट कमांड यूज़ करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। The table would now be empty. अब मान लीजिए अगर आपने ये delete from items command execute की, तो items table से सारा का सारा data जो है delete हो जाएगा और ये table जो है वो क्या हो जाएगी, empty हो जाएगी। And it could be destroyed from with a drop table command. और जब आपकी कोई table empty होती है तो आप उस table को drop table command की help से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन ये जो है हम आगे आने वाले sections में पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ delete command पढ़नी है। जब हम ड्रॉप कमांड पढ़ेंगे तो हम डिलीट और ड्रॉप के बीच का डिफरेंस भी जो है वो पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम उस टॉपिक में नहीं जाते हैं, अभी हम डिलीट पे ही जो है फोकस करते हैं। इवन सम स्पेसिफिक रोज फ्रॉम अ टेबल कैन ऑल्सो बी डिलीटेड। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रोज को डिलीट करना है अपनी टेबल से, तो आप वो भी कर सकते हैं। टू डिटरमाइन विच रोज आर डिलीटेड यू यूज़ अ कंडीशन जस्ट एज यू डू फॉर क्वेरीज। और जब हमें रोज का सिलेक्शन करना होता है, तो जैसे हम अभी तक करते आए हैं, हम वेयर क्लॉज में कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और उसकी हेल्प से जो है हमारी रोज सेलेक्ट हो जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, टू रिमूव द टपल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल डेट हैव ग्रॉस लेस देन 2200 द फॉलोइंग कमांड इज यूज। जब मान लीजिए आपके पास एम्प्लॉय टेबल है और आपको उसकी वो रोज डिलीट करनी है जिनमें ग्रॉस सैलरी जो है वो 2200 से कम है, तो उसके लिए हम कमांड क्या यूज़ करेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस लेस देन 2200। आई थिंक डिलीट कमांड जो है वो सबसे सिंपल कमांड है इंसर्शन और अपडेशन के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो यहाँ पे आपकी बुक में नहीं मेंशन की गई है, आगे क्योंकि DDL कमांड स्टार्ट हो गई है, डिलीट का टॉपिक यहीं इन्होंने ख़त्म कर दिया, बट हम प्रैक्टिकली इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है कंस्ट्रेंट्स का। जब हमने हमारी टेबल पर फॉरन की प्राइमरी की यूज़ की हुई होती हैं, तो वहाँ पर हमें डाटा के डिलीशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जब हमने फॉरन की कंस्ट्रेंट अप्लाई किया होता है, तो अगर हम किसी टेबल का डाटा डिलीट करते हैं
और वो डाटा किसी और टेबल में यूज हो रहा होता है तो वो डाटा आप डिलीट नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको डिलीट कमांड में एरर मिलता है। तो वहाँ पे आपका ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट अपडेट का भी जो ऑप्शन होता है वो यूज़ होता है। तो अभी ये सारी चीज़ें जो हैं हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हम MySQL के कमांड लाइन पे वर्क करेंगे, तो मैं वो ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें पासवर्ड एंटर करना है। ये मेरा MySQL ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे डाटाबेस ओपन करेंगे जिस डाटाबेस पे हमें काम करना है। तो हम सैंपल डाटाबेस पे वर्क कर रहे हैं। जो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता होगी। अब यहाँ पे क्योंकि डिलीट करना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी टेबल है, किसका डाटा हम डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि सैंपल डाटाबेस में कौन कौन सी टेबल है। शो टेबल्स। अब इन चारों टेबल्स में से आप डाटा डिलीट तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब हमें फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट चेक करना होगा वहाँ पे हमें टेबल्स के स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं आपको सिंपली जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है उससे डाटा को डिलीट करके दिखाती हूँ। तो डाटा डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे चेक करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टेबल में एक्चुअली में डाटा है क्या क्या। तो हम सेलेक्ट कमांड की हेल्प से चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये देखिए आपके एम्प्लॉय टेबल में ये सारा डाटा जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब मान लीजिए यहाँ से आपको उन एम्प्लॉयज़ को रिमूव करना है जिनका ग्रेड जो है वो क्या है, नल है। तो अगर आपको नल ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को रिमूव करना है तो वो आप कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय। अब हमें एम्प्लॉय टेबल से कौन कौन सी रोज डिलीट करनी है जहाँ पे ग्रेड जो है वो क्या है, नल है। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, वेयर ग्रेड इज नल, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए 3 रोज अफेक्टेड, यानी कि आप देख सकते हैं ग्रेड वाले कॉलम में 3 रोज में नल वैल्यू है। तो यानी कि ये तीनों रोज जो है वो डिलीट हो जाएंगी, नीता, नितिन एंड सुमित। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम अगेन सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए आपके वो सारी की सारी रोज जो है वो रिमूव हो गई। अब हम किसी और टेबल पे इसे रन कर लेते हैं। तो उससे पहले हमें टेबल का डाटा चेक करना पड़ेगा। हम जॉब टेबल का डाटा चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब। तो ये देखिए जॉब टेबल में हमारे पास यहाँ पे 3 एंट्रीज हैं, राइट। तो इन 3 एंट्रीज में से मान लीजिए आपको सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो क्या करनी है, डिलीट करनी है। तो जब आपको सारी एंट्रीज डिलीट करनी है तो वहाँ पे आपको वेयर क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो एंट्री आप डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम जॉब। अब जब हम ये क्वेरी रन करेंगे, क्योंकि हमने कोई रो सेलेक्ट नहीं की, यानी कि हम सारी रोज पे ये क्वेरी जो है वो रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, एंटर। तो ये देखिए 3 रोज अफेक्टेड, क्योंकि आपकी टेबल में टोटल 3 रोज ही थी। अब अगर मैं ये सेलेक्ट क्वेरी रन करूँगी जॉब टेबल पे तो आपको क्या शो होगा, चलिए दिखाते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए एम्प्टी सेट, क्योंकि आपकी जॉब टेबल जो है अब वो एम्प्टी हो चुकी है, उसका जितना डाटा था वो सारा डाटा आपने डिलीट कर दिया। चलिए एक और टेबल देखते हैं, EMPL। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। अब यहाँ पे इस टेबल में आपके पास इतना सारा डाटा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे उस एम्प्लॉय का डाटा डिलीट करना चाहती हूँ जिसकी सैलरी जो है वो 9000 है। तो अब आप यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम में देखिए 9000 जो सैलरी है वो एक ही एम्प्लॉय की है, 1007 एम्प्लॉय नंबर वाले एम्प्लॉय की। तो चलिए इस क्वेरी को ट्राई करते हैं, डिलीट फ्रॉम EMPL वेयर सैलरी इज इक्वल टू 1007। तो ये देखिए क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, सॉरी
वेयर सैलरी इज इक्वल टू हमें 9000 करना था, क्योंकि किसी की सैलरी 1007 है ही नहीं, तो इसलिए कोई भी रो डिलीट नहीं हुई और यहाँ पे जीरो रोज अफेक्टेड आपका शो हो गया। तो इस क्वेरी को दोबारा से चेंज करते हैं, वेयर सैलरी इज इक्वल टू 9000 एंटर। तो ये देखिए वन रो अफेक्टेड, क्योंकि सिर्फ एक ही रो ऐसी थी जिसमें 9000 सैलरी थी, तो वो रो आपकी डिलीट हो गई। आपको अगर वेरीफाई करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम AMPL, एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए जो आपकी 1007 एम्प्लॉय कोड था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो आई होप आपको जो सिंपल डिलीट कमांड है वो समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। अब हम इसमें जो हमारा फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम उसे देखते हैं। राइट, अब इसी टेबल पे मान लीजिए मैं एम्प्लॉय कोड 101 को डिलीट करने की ट्राई करती हूँ, तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, डिलीट EMPL, सॉरी डिलीट फ्रॉम EMPL where employee number is equal to 101 semicolon enter। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एरर मैसेज मिला, और एरर मैसेज क्या मिला, कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ पेरेंट रो, अ फॉरन की कंस्ट्रेंट फेल, सैम्पल डिपार्टमेंट कंस्ट्रेंट डिपार्टमेंट फेल, फॉरन की डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर रेफरेंसेस EMPL एम्प्लॉय नंबर। तो इस एरर मैसेज का मतलब क्या है कि आप इस रो को डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रो एक पेरेंट रो है। पेरेंट रो का मतलब क्या है कि एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो हमारी टेबल को एज अ पेरेंट टेबल कंसीडर करता है, डिपार्टमेंट टेबल जो हमारी है उसमें एक फील्ड है डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर, जो कि उस टेबल में फॉरेन की का काम कर रही है, और वो हमारी EMPL टेबल को रेफरेंस कर रही है, और EMPL टेबल के किस कॉलम से कनेक्टेड है, एम्प्लॉय नंबर से कनेक्टेड है। तो एम्प्लॉय नंबर, जो एम्प्लॉय नंबर वहाँ पे डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर में यूज़ हो रही होंगे, आप उन कॉलम्स को डिलीट, उन वैल्यूज़ को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट टेबल चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। तो स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास होती है डिस्क्राइब कमांड, तो डिस्क्राइब डिपार्टमेंट, तो ये देखिए यहाँ डिपार्टमेंट टेबल में जो ये डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर है, ये हमारी जो है वो क्या है, फॉरेन की है। अब मैं आपको यहाँ इसमें वैल्यूज दिखाती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एंट्रीज हैं। जब हम डिपार्टमेंट टेबल में डाटा एंटर करते हैं, या फिर किसी भी चाइल्ड टेबल में जब हम डाटा एंटर करते हैं, तो जिस कॉलम पे हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया होता है, हमें वैल्यूज इंसर्ट करते टाइम ये बात ध्यान रखनी होती है कि हम उस कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज़ इंसर्ट करें जो ऑलरेडी हमारी प्राइमरी टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि जब हम डिपार्टमेंट टेबल में डाटा इंसर्ट कर रहे थे, तब भी हमें इस फॉरेन की कंस्ट्रेंट का ध्यान रखना था कि जो ये डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर है, ये आपकी EMPL टेबल के एम्प्लॉय नंबर को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर आप सिर्फ उन्हीं IDs को यूज़ कर सकते हैं जो एम्प्लॉय नंबर कॉलम में एग्जिस्ट करती हैं EMPL टेबल के, क्योंकि किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो भी तो किसी कंपनी का एम्प्लॉय ही होगा। अगर कोई ऐसी ID आप यहाँ मेंशन कर दोगे जो आपकी एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो तो ऑब्वियसली आपकी इनवैलिड डिटेल हो जाएगी, क्योंकि जो पर्सन आपकी कंपनी को बिलोंग ही नहीं करता, जो पर्सन आपकी कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं है, वो आपकी कंपनी के डिपार्टमेंट का मैनेजर कैसे बन सकता है। किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर जो होगा वो उस कंपनी का एम्प्लॉय तो होगा ही। तो यानी कि यहाँ पर जो आपके मैनेजर IDs हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही वैलिड होंगे जो आपकी एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट करते हैं एम्प्लॉय नंबर्स। तो यहाँ पे इंसर्शन के टाइम भी ये चीज़ चेक होती है, डिलीशन के टाइम इससे ओपोजिट हो जाता है। इंसर्शन के टाइम पे डिपार्टमेंट टेबल को चेक किया था, डिलीशन के टाइम EMPL टेबल को चेक करेंगे कि हम किसी ऐसी ID को डिलीट ना कर दें
जो हमारी चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, वो आपका किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो जब वो किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो आप उसकी डिटेल्स एम्प्लॉय टेबल से रिमूव नहीं कर सकते। यानी कि अगर वो मैनेजर है किसी डिपार्टमेंट का, तो यानी कि वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय तो है, तो आप उसकी डिटेल्स जो है वो एम्प्लॉय टेबल से डिलीट कैसे कर सकते हो। तो वही मैसेज यहाँ पर आपको मिला, जब आपने एम्प्लॉय नंबर 101 की डिटेल्स डिलीट करनी चाहिए तो उसने आपको मैसेज शो किया, क्योंकि 101 जो एम्प्लॉय है वो आपका सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है। तो जब तक ये इस डिपार्टमेंट का मैनेजर है तब तक आप इसकी डिटेल्स को EMPL टेबल से रिमूव नहीं कर सकते, और यही हमारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं, यही जो है हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, जिसकी हेल्प से दो टेबल्स आपस में रिलेटेड होती हैं और उनका डाटा जो है वो हमेशा वैलिड रहता है। तो डिलीशन के टाइम पे आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप कोई ऐसा डाटा डिलीट ना करो जो कि आपका किसी चाइल्ड टेबल में यूज़ हो रहा हो। यहाँ पे अब आप देखिए आपका 101, 105, 109 और 115 ये चारों एम्प्लॉय कोड हैं, तो इस एम्प्लॉय कोड की कोई भी रो जो है आप डिलीट नहीं कर पाओगे। सपोज डिलीट फ्रॉम EMPL where employee number is 105। अब मैं इसे डिलीट करने की ट्राई करती हूँ, तो ये देखिए अगेन आपको सेम मैसेज मिला, क्योंकि ये जो है एक पेरेंट रो है और जब तक ये चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करती है तो आप इस रो को डिलीट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट टेबल से इस रो को रिमूव कर देती हूँ, मैं 101 वाली को रिमूव कर देती हूँ सपोज पहले, तो डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर इज इक्वल टू 101। तो ये देखिए वन रो अफेक्टेड, एक रो डिलीट हो गई। अब आप एक बार डिपार्टमेंट टेबल का डाटा फिर से वेरीफाई कीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, अब ये देखिए 101 एम्प्लॉय वाली जो रो थी यानी कि 10th डिपार्टमेंट जो था अब वो आपका हट चुका है। तो अब अगर आप एम्प्लॉय नंबर 101 वाली रो को EMPL टेबल से डिलीट करना चाहेंगे तो अब आपको कोई एरर मैसेज शो नहीं होगा। तो हम करके देखते हैं, डिलीट फ्रॉम EMPL वेयर EMP number is equal to 101। तो ये देखिए अब आपकी रो जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गई। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, तो ये देखिए अब 101 एम्प्लॉय जो है वो यहाँ से डिलीट हो गया। तो यानी कि जब तक आपकी चाइल्ड टेबल में वो डिटेल एग्जिस्ट कर रही हैं तब तक आप उन्हें प्राइमरी टेबल से रिमूव नहीं कर सकते। जब वो डाटा आपका चाइल्ड टेबल से रिमूव हो जाएगा तब आप उसे प्राइमरी टेबल से भी रिमूव जो है वो कर सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ आ रही है, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक बटन प्रेस कीजिए और मुझे फीडबैक में भी ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि आपके फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करता है। और हाँ, वीडियो कंटिन्यू रहेगी, और जहाँ भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आप मुझे अपने डाउट्स बताइए, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएँ, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो इन डेप्थ समझ में आए। जहाँ भी जो भी डाउट होता है आप मुझे पूछ सकते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल पार्ट में हो चाहे वो थ्योरी पार्ट में हो। इनफैक्ट अगर सिर्फ DBMS में नहीं, अगर आपके सिलेबस का कोई और भी क्वेश्चन है तो वो भी आप पुट अप कर सकते हैं। ऑल्दो हम सारा सिलेबस जो है वो डिटेल में कवर करेंगे, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का भी, कंप्यूटर साइंस का भी, क्लास 12th का जो आपका टर्म 2 में आने वाला है, बट फिर भी अगर आप अभी पढ़ रहे हैं और आप वीडियो भी देख रहे हैं तो अगर आपको जो पार्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें कहीं आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि डिलीट कमांड की हेल्प से हम प्राइमरी टेबल का डाटा जो है वो तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि वो डाटा आपका चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करता है।
बट अगर हमने ऑन डिलीट अपडेट और ऑन डिलीट कैस्केड ऑप्शन यूज़ किया हो तो उस केस में क्या होता है? हम ऑन डिलीट अपडेट और ऑन डिलीट कैस्केड दोनों ही जो है वो पढ़ चुके हैं। तो ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब क्या होता है कि जब हम प्राइमरी टेबल से डाटा को रिमूव करते हैं, कोई ऐसा डाटा जो कि आपका चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करता हो, तो वो क्या करेगा, जैसे ही हमने उस डाटा को प्राइमरी टेबल से रिमूव किया, ऑटोमेटिकली वो उस डाटा को चाइल्ड टेबल से भी जो है वो रिमूव कर देगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपका 101 एम्प्लॉय कोड 105, अब 101 का तो हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब जैसे आपके डिपार्टमेंट टेबल में 3 एंट्रीज हैं, 105 एम्प्लॉय की, 109 एम्प्लॉय की और 115 एम्प्लॉय की। अब मान लीजिए आपने अपनी EMPL टेबल में ऑन डिलीट कैस्केड जो है वो यूज़ किया हुआ है, तो जब आप कोई भी एम्प्लॉय डिलीट करेंगे 105, 109 या 115 में से, तो वो रो आपकी ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट टेबल से भी जो है रिमूव हो जाएगी। तो ये होता है हमारा ऑन डिलीट कैस्केड। ऑल्दो हमने जब टेबल क्रिएट की थी तो वहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट क्रिएट करते टाइम ऑन डिलीट कैस्केड का ऑप्शन यूज़ नहीं किया था, तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे एरर मैसेज ही मिलेगा। लेकिन जब हम आगे DDL कमांड्स में पढ़ेंगे कि हम कंस्ट्रेंट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रेंट चेंज करके ऑन डिलीट कैस्केड भी जो है वो रन करके दिखाऊंगी। तो आई होप आपको जो कंटेंट है वो समझ आया हो, डिलीट कमांड आपकी अच्छे से जो है वो क्लियर हुई हो। अब हम देखते हैं हमारा आगे का पार्ट। तो आगे जो है हमारी DDL कमांड्स हैं। अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी वो सारी हमारी DML कमांड्स थी। ऑल्दो चैप्टर की बिगनिंग में पहले हमने क्रिएट टेबल कमांड पढ़ी जो कि हमारी DDL कमांड है, बट उसके बाद हमने DML कमांड्स पढ़ी जो कि हमारी थी इंसर्शन कमांड, कि हम टेबल्स में डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हमने अपडेट कमांड पढ़ी कि जो टेबल में डाटा है हम उसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमने डिलीट कमांड पढ़ी कि टेबल के डाटा को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। और ये तीनों ही जो है वो हमारी DML कमांड्स थी। अब हम आगे देखते हैं DDL कमांड्स के बारे में, मोर DDL कमांड्स। अब यहाँ मोर क्यों लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी टेबल क्रिएशन और कंस्ट्रेंट्स जो हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि कुछ DDL कमांड्स हमारी चैप्टर के बिगनिंग में थी। तो अब उनके अलावा और कौन कौन सी DDL कमांड्स होती हैं? As you know, the DDL division of SQL is responsible for defining, redefining, modifying, dropping various database object. कि DDL कमांड्स क्या होती हैं, जिनकी हेल्प से हम टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाते हैं, उसे चेंज कर पाते हैं, उसे डिलीट कर पाते हैं, वो होती हैं DDL कमांड। और जिनकी हेल्प से हम टेबल के डाटा को चेंज कर पाते हैं, डिलीट कर पाते हैं, इंसर्ट कर पाते हैं, वो होती हैं DML कमांड्स। अप टिल नाउ यू हैव लर्नड टू यूज़ डिफरेंट डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब तक हमने काफ़ी सारे डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना सीख लिया है। दिस सेक्शन इज गोइंग टू डिस्कस सम मोर DDL कमांड्स डेट प्रूव वेरी यूजफुल वाइल रीडिफाइनिंग और ड्रॉपिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट। और इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी DDL कमांड्स पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगी जब हमें अपने डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि अपने डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करना हो या फिर उन्हें ड्रॉप करना हो, यानी कि डिलीट करना हो। You have already worked with one DDL command, the create table command. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चैप्टर की बिगनिंग में हमने ऑलरेडी एक DDL कमांड पढ़ ली है, और वो क्या थी, क्रिएट टेबल कमांड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर। दिस इज़ यू ऑलरेडी नो हाउ टू डेट इज़ यू ऑलरेडी नो हाउ टू क्रिएट टेबल्स अलॉन्ग विद कंस्ट्रेंट्स डेफिनेशन। तो कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन के साथ हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपको टेबल क्रिएट करना नहीं आता है, टेबल में अलग अलग कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने नहीं आते, जैसे कि हमारा यूनिक कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, फॉरन की कंस्ट्रेंट है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, और या फिर हमें नॉट नेल अप्लाई करना है, तो ये सारे कंस्ट्रेंट लगाने मैंने आपको डिटेल में सिखाए थे। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहाँ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2021-22 की अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपके डाटाबेस की सारी वीडियोस हैं। ऑल्दो मैं चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट कर दूंगी, बट उस प्लेलिस्ट में अगर आपको जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज अलग से डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, थंबनेल से आप पहचान पाएंगे। तो चैप्टर 13 की जो बिगनिंग है,
चैप्टर 11 पहले आपका रिलेशनल डाटा मॉडल था, चैप्टर 12 जो था उसमें हमने बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज की थी, सेलेक्ट क्वेरी, वेयर क्लोज, अलग अलग फंक्शंस हमने किए थे, एग्रीगेट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन। उसके बाद जो 13th चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ उसमें हमने DDL और DML कमांड स्टार्ट की थी, जहाँ पे हमने पहले टेबल्स को क्रिएट करना सीखा था। तो आपको हेडिंग से भी क्लैरिफाई हो जाएगा, तो वहाँ से अगर आपको टेबल्स क्रिएट नहीं करनी आती तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर वेरीफाई करें। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे अपने डाउट्स जो हैं वो मेल भी कर सकते हैं technicallearner26@gmail.com पे। ईमेल आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे मिल जाएगी, तो आप मुझे अपने डाउट्स जो हैं वो मेल कर सकते हैं। दिस सेक्शन इज गोइंग टू डिस्कस DDL कमांड्स फॉर अल्टरिंग टेबल्स, एडिंग कमेंट्स, एनेबलिंग डिसेबलिंग कंस्ट्रेंट्स, ट्रंकेटिंग टेबल्स, renaming objects, dropping tables, views and synonyms etc. इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम अपनी टेबल्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, नए कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं, कैसे हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कैसे हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट्स को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, कैसे हम टेबल्स को ट्रंकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स की रिनेमिंग कैसे कर सकते हैं, और जो हमारे व्यूज़ हैं, सिनोनिम्स हैं, टेबल्स हैं, उन सबको ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद अल्टर टेबल कमांड दैट इज यूज्ड टू अल्टर टेबल्स डेफिनेशन। अब मैं आपको एक और सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ DDL कमांड्स और DML कमांड्स के बीच डिफरेंशिएट करने का। DML कमांड्स आपने तीन पढ़ी, इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। इंसर्शन की कमांड क्या थी? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो इंसर्ट इनटू और उसके बाद हम क्या दे देते थे, टेबल का नाम दे देते थे, यानी कि टेबल कीवर्ड कहीं नहीं आया उसमें। जैसे एम्प्लॉय टेबल में अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज और उसके बाद आप वैल्यूज दे देते थे। सिंपली मॉडिफिकेशन जब होती थी तो उसके लिए हमारे पास अपडेट कमांड होती थी, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, वैल्यू, और अगर कंडीशन लगानी है तो वेयर क्लॉज की हेल्प से, यानी कि वहाँ भी टेबल कीवर्ड कहीं यूज़ नहीं हो रहा। अगर आपको एम्प्लॉय टेबल अपडेट करनी है तो अपडेट एम्प्लॉय सेट कॉलम नेम और वो चलता था। सिमिलरली डिलीट, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो सिंपली आप टेबल नेम का यूज़ करते हो, टेबल कीवर्ड का कहीं यूज़ नहीं करते, यानी कि डायरेक्टली टेबल का नाम लिख देते हो। बट जब हमारी DDL कमांड्स आती हैं, जैसा कि आपने क्रिएशन के टाइम पढ़ा, तो वहाँ आप एक्सप्लिसिटली टेबल कीवर्ड यूज़ करते हैं। टेबल्स की क्रिएशन के लिए हमारे पास क्या कमांड होती थी, क्रिएट टेबल टेबल नेम, तो क्रिएट टेबल और उसके बाद टेबल नेम आता था, यानी कि टेबल कीवर्ड होता था। सेम अब यहाँ आप अल्टर टेबल का जब सिंटेक्स देखेंगे तो वहाँ भी आप इवन कमांड के नेम से देख सकते हैं, कमांड का नेम क्या है, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, उसके बाद हम टेबल का नेम मेंशन करते हैं। सिमिलरली जब ड्रॉप कमांड पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे ड्रॉप टेबल, उसके बाद टेबल नेम। तो जिन कमांड्स में टेबल कीवर्ड आता है वो होती हैं आपकी DDL कमांड्स, और जिन कमांड्स में टेबल कीवर्ड का यूज़ नहीं हो रहा होता वो आपकी होती हैं DML कमांड्स। तो ये एक जो है बेसिक डिफरेंशिएशन आपका होता है। तो देखते हैं अल्टर कमांड। व्हेन वी डिफाइन अ सिस्टम वी स्पेसिफाई व्हाट डाटा वी नीड टू स्टोर, द साइज एंड डाटा टाइप ऑफ दैट डाटा। जब हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो हम ये देख स्पेसिफाई करते हैं कि हमें जो है उस डाटा को स्टोर करने के लिए कितना साइज़ चाहिए, उस डाटा का डाटा टाइप जो है वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। बट व्हाट कैन वी डू व्हेन द रिक्वायरमेंट्स चेंजेस, लेकिन अगर बाद में हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। वी कैन अल्टर द टेबल्स टू अकोमोडेट द चेंज रिक्वायरमेंट। तो अपनी जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं, उन चेंज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, उन्हें अकोमोडेट करने के लिए हम हमारी टेबल के स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकते हैं। द अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू चेंज डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। जो हमारी अल्टर टेबल कमांड है वो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल्स की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए यूज होती है, यानी कि क्रिएट टेबल के टाइम पे हमने जो डेफिनेशन दी है टेबल की, अगर हमें उस डेफिनेशन को चेंज करना है तो वो हम अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से कर सकते हैं।
यूजली इट कैन ऐड कॉलम्स टू अ टेबल. जनरली जो है हम टेबल्स में न्यू कॉलम्स को ऐड करने के लिए अल्टर टेबल का यूज़ करते हैं. समटाइम इट कैन डिलीट कॉलम्स. कई बार अगर ज़रूरत पड़ती है तो अल्टर टेबल का यूज़ जो है वो कॉलम्स को डिलीट करने के लिए भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रिविलेजेस. अगर यूज़र जो है ऑथराइज्ड है टेबल के स्ट्रक्चर को अल्टर करने के, तो ही आप ये कर सकते हैं. और चेंज देयर साइज़, अगर कई बार हमें कॉलम का साइज़ चेंज करना होता है तो वो भी हम कर सकते हैं. इन जनरल इन MySQL SQL अल्टर टेबल कमांड इज़ यूज्ड एज फॉलोज. जनरली जो MySQL सॉफ्टवेयर है उसमें SQL की अल्टर टेबल कमांड जो है वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है. टू ऐड अ कॉलम, टू ऐड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और टू रीडिफाइन अ कॉलम. तो अगर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है उसके लिए, अगर पहले से आपका कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है उसका आपको डाटा टाइप साइज़ या उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करनी है उसके लिए, या फिर अगर आपको कोई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ऐड करना है जैसे कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, नल कंस्ट्रेंट, यूनिक या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, अगर आपको कोई भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो वो भी आप अल्टर टेबल की कमांड से यूज़ कर सकते हैं. डिलीट कॉलम की डेफिनेशन जो है अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं अल्टर के साथ, अभी हम सिर्फ ऐड कॉलम, ऐड कंस्ट्रेंट और जो है रीडिफाइन कॉलम को ही पढ़ेंगे. तो यहाँ पे ये वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट आई थिंक आज की क्लास जो है वो काफ़ी लेंदी ना हो जाए, क्योंकि अब अगर हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर हम उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे तो जो है एक साथ ये सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी आपके लिए. तो अल्टर टेबल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम एडिंग कॉलम, एडिंग कंस्ट्रेंट और कॉलम रीडेफिनेशन, हम तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक साथ कंप्लीट कर लेंगे. तो आज की क्लास के लिए इतना ही. आई होप आपको जो है वीडियोस में जितना कंटेंट था वो सारा समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सिलेबस का कोई पार्ट आपसे मिस आउट ना हो. साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए इस तरह का और नया नया कंटेंट जो है वो ला सकूं. हम आपका सारा सिलेबस जो है डिटेल में कवर करवाएंगे, ये मैं आपको एश्योर कर रही हूँ. अभी हमारे पास इनफ टाइम है तो हम आराम से जो है सिलेबस को कवर कर सकते हैं. इनफैक्ट हमारे पास रिविज़न के लिए भी जो है इनफ टाइम होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.